डेली राउंडअप में आप लोगों का स्वागत है। आज का प्रमुख मुद्दा है एक पाकिस्तानी आतंकवादी, छोटा दुजाना के नाम से जाना जाता था, वो आज पकड़ा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जितनी भी तारीफ़ करें हमारी सुरक्षा बलों की, इंडियन आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, कम होगी। हमारे जवानों ने आतंकवाद पर पूरी तरह से नकेल कसी है। इस आतंकवादी का नाम आकिब, कोड नेम छोटा दुजाना था, पाकिस्तानी आतंकवादी, पटन बारामूला से आज गिरफ्तार हुआ है। इसके ऊपर पूरी बात करेंगे और आतंकवाद का क्या हशर हो चुका है उसके ऊपर पूरी बात करेंगे। फिलहाल आज की प्रमुख सुर्खियाँ, आज की जो प्रमुख सुर्खियाँ हैं उसमें पहली खबर की बात करें तो कल यानी कि 23 तारीख को तीसरे फेज़ के मतदान हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अनंतनाग सीट के ऊपर इलेक्शन होंगे। अनंतनाग सीट पूरे देश के अंदर एक ऐसी सीट है जिसके अंदर तीन फेसेस में इलेक्शन होंगे, जिनमें से पहला फेज़ 23 तारीख को है जिसके अंदर अनंतनाग में पोलिंग होगी, अगला फेज़ 29 अप्रैल को कुलगाम में पोलिंग होगी और तीसरा फेज़ 6 मई को शोपियां और पुलवामा में पोलिंग होगी। इस सीट के लिए टोटल 18 उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से सोफ़ी यूसुफ, PDP से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फॉर्मर जस्टिस हसनैन मसूदी और कांग्रेस से गुलाम अहमद मीर हैं। ये सब कैंडिडेट्स जो हैं अनंतनाग सीट पर कल अपना सिक्का मनवाएंगे और देखते हैं कि कल EVMs में किन के नाम पर मोहर लगती है। अगली खबर की बात करें तो थन्ना मंडी में एक घर के अंदर आग लग गई जिसके अंदर काफ़ी नुकसान हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था, किसी तरह के जानी नुकसान नहीं रिपोर्ट हुआ है लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया घर का। अगली खबर की बात करें तो कोई नई बात नहीं है, अलगाववादी परेशान है, लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलगाववादियों पर शिकंजा कसा जा रहा है NIA द्वारा, ED द्वारा, तो अलगाववादियों के पास अब कुछ रह तो नहीं गया है। कल इलेक्शन है, बायकॉट की कॉल दी है, बंद की कॉल दी है। चलिए, वैसे अब इनके झांसे में आने वाले आम कश्मीरी नहीं हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके, एक बार फिर से कल मिलेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो काजीगुंड पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। उनके पास कुछ इनपुट्स थे जिसके अंदर एक गाड़ी के अंदर जो है पैसे लेके जाए जा रहे थे, ये करेंसी जो है इलेक्शन के अंदर किसी को दी जानी थी, जिसके बाद हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने काजीगुंड में इस ट्रक को सीज़ किया और वो सारा नगदी जो है सीज़ कर ली गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, अभी पुलिस ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। अगली खबर की बात करें तो राहुल गांधी द्वारा माफ़ी मांगी गई, जो उन्होंने चौकीदार चोर है कहा था उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगी उसके बाद राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियाँ। अब आज की प्रमुख सुर्खियों के साथ जो आज का प्रमुख मुद्दा है, बड़ा ही अहम मुद्दा है, ये आतंकवादी चाहे किसी तरह का भी नाम रख लें, चाहे कितना भी फिल्मी नाम रखें, लेकिन इन आतंकवादियों का अंत वही होना है जो हर बार या तो इनके मारे जाने की खबर मैं आपको देता हूँ या फिर इनके पकड़े जाने की खबर देता हूँ। इन आतंकवादियों ने सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता को निशाना बनाया है, आम कश्मीरियों को निशाना बनाया है, बच्चों को, MBA कर रहे, PhD कर रहे बच्चों के दिमाग में जहर खोला है देश के ख़िलाफ़। ये वही आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान लगातार यहाँ पर भेज रहा है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ पर भेज रहा है, जिसको आज बड़ी ही परेशानी हो रही है यासीन मलिक के जेल में जाने से, पाकिस्तान को भी परेशानी हो रही है और जम्मू कश्मीर की कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको भी परेशानी हो रही है। अब समझ नहीं आता कि पाकिस्तान इन राजनीतिक पार्टियों का काम कर रहा है या ये राजनीतिक पार्टी पाकिस्तानियों का काम कर रहे हैं, इसके बारे में तो बड़ा एक सवाल ही है, लेकिन चलिए समझने वाले समझते हैं। पाकिस्तानी ये आतंकवादी आकिब, जिसका नाम छोटा दुजाना रखा गया था, पता नहीं बड़ा ही सोच समझ के नाम रखा होगा कि भाई छोटा दुजाना पता नहीं कौन कौन से काम करेगा, उसको आखिरकार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया है। और काबिले तारीफ़ काम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारे इंडियन आर्मी का, CRPF का, बाकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, हमारे कमांडोज़ का, जिन्होंने इन आतंकवादियों को उनकी असली औकात दिखाई है।
ये पटन इलाका बारामूला का नॉर्थ कश्मीर में आज सुबह ये आतंकवादी पकड़ा गया। इस आतंकवादी को पकड़ने के पीछे हमारे जॉइंट टीम ने काम किया, जिसके अंदर इंडियन आर्मी, जिसके अंदर एसओजी, सीआरपीएफ ने एक दिल्ली नंबर की गाड़ी को ट्रैक पे रखा हुआ था, जिसका नंबर DL12CA4189, जिसको बाद में ट्रैप किया गया। और उस गाड़ी में जब सर्च ऑपरेशन किया गया सर्च टीम को, उसके अंदर दो लोग मिले, एक ड्राइवर और एक साथ में ये छोटा दुजाना आतंकवादी जो उस गाड़ी के अंदर घूम रहा था, और जो ड्राइवर तजाफुल उसका नाम बताया जा रहा है, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिन्होंने इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस चीज़ के लिए हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देनी चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, CRPF, SOG, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में SPOs, इन सबको मुबारकबाद दें। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने इस आतंकवादी को गिरफ्तार करके, क्योंकि ये आतंकवादी अगर गिरफ्तार नहीं होता तो खुलेआम घूमता, सिविलियंस को निशाना बनाता, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाता, हमारे नौजवान बच्चों को आतंकवाद के रास्ते में धकेलता, क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकवादी था। ये पाकिस्तानी आतंकवादी जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था, और यहाँ से पता नहीं कितने बच्चों का दिमाग वॉश कर रहा था ये आतंकवादी, कहीं ना कहीं इसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। और इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने दबोचा है। इन्वेस्टिगेशन पे ये आतंकवादी उगलेगा जब हमारी जवान जो हैं इससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो बड़े अच्छे तरीके से उनको उगलवाना आता है, और ये आतंकवादी फिर उगलेगा यहाँ पर क्या क्या कारनामे ये आतंकवादी करने वाले थे, और इनके कौन कौन सपोर्टर्स हैं, और कौन कौन इनको जो है सपोर्ट करते हैं, किस तरह की सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सपोर्ट हो या बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, ये आतंकवादी ज़रूर उगलेगा। और कहीं ना कहीं बड़ी कड़ी के साथ जुड़ा हो सकता है ये आतंकवादी, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को अच्छे से तरीका आता है निकालने का, इनसे उगलवाने का हर चीज़ को। बड़ी खबर है आज की। ठीक, कल मतदान होने हैं अनंतनाग में, और उससे पहले एक पाकिस्तानी आतंकवादी का पकड़ा जाना एक बड़ी डेवलपमेंट है कश्मीर के अंदर। हो सकता है ये आतंकवादी इलेक्शन के दिन कोई ना कोई ऐसा कांड करने वाला होगा, जो गाड़ी के अंदर कहीं किसी मिशन पे जा रहा होगा, जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दबोच लिया और इस आतंकवादी को अरेस्ट कर लिया है। फ़िलहाल ये आज की सबसे बड़ी खबर थी, और इसी तरह से आप लोगों को हम हर खबर के साथ अपडेट करते रहेंगे। हमारा चैनल लाइक करना ना भूलें, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, JK मीडिया लिखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर खबर लेकर हम आप तक पहुंचेंगे। आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। सबसे पहले, सबसे तेज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो भी गतिविधियां हैं, सबसे पहले लेके पहुंचता है JK मीडिया आपके पास, और कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना कीमती समय कहीं और वेस्ट ना करें। कोई भी खबर आपको चाहिए हो, या तो हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट देखें, या जब आपको टाइम मिले उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी तरफ से कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर से, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर कहने लगा हूँ, कमेंट करते टाइम अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि कुछ लोग कितनी गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, शर्म नहीं आती उनको। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनका वो ठीक हो रहे हैं, और शायद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैंग्वेज पे सुधार करेंगे, सीख रहे हैं अच्छा बोलना। आप लोग मुझे, मेरी इस चीज़ का इज्जत रखना, क्योंकि मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप लोग कुछ कुछ सीख रहे हो, अच्छा बोलना सीख रहे हो, तो आप अच्छा बोलें, अच्छे कमेंट करें। अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, अच्छे शब्दों के साथ तरीका होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, आप लिखें, आपको किसी भी चीज़ के साथ दिक्कत है, आप लिखें, अच्छे शब्दों में लिखें। गलत शब्दों में ना तो उस चीज़ को कोई पढ़ता है, और ऐसे ही आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी जो कुछ शब्द हैं उनको फॉर ग्रांटेड लिए जाए। अच्छी चीज़ लिखें, अच्छी भाषा में लिखें, बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि आपकी ये भाषा लिखने से ना, बड़े सारे लोग कमेंट सेक्शन को ही स्वाइप कर देते हैं, तो वो लिख पढ़ते ही नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो। तो आप भी अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें, अपनी एनर्जी अच्छे कामों में लाएं, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में लाएं,
और अगर आपको लगता है कि जो भी हम टॉपिक पे बात करते हैं कुछ उसके अंदर आप भी ऐड करना चाहते हैं तो अच्छे सभ्य लैंग्वेज सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करें और यहाँ पर लिखें जैसे कि मैं बोलता हूँ, और उसको पढ़ा भी जाएगा और आपके कमेंट्स को मैं आपका नाम लेकर भी बोलूँगा अगर अच्छे होंगे तो। अगर इसी तरह की वाहियात लैंग्वेज होगी तो फिर मैं वही बोलूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभरात्रि, हर खबर के साथ आपको अपडेट रखेंगे, जुड़े रहें जेके मीडिया के साथ। धन्यवाद, शुभरात्रि।